मेरा नाम ब्रिजेश मोरा है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 15 का आठवां पार्ट, जो है पेमेंट ऑफ रूल, जिसमें हम पढ़ेंगे पेमेंट ऑफ रूल। ये पेमेंट ऑफ रूल होता क्या है? ये हमने इसे पहले भी हमने 14 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। इससे पहले भी ये हम 14 चैप्टर में पढ़ चुके हैं, उसी से रिलेटेड ये भी चीज है। ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर। सो अकॉर्डिंग टू रूल 85 ऑफ द जीएसटी रूल 2000, जीएसटी रूल 2017, द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाई अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 14 शैल मेंटेन इन अ फॉर्म नंबर जीएसटी पेमेंट 01। आपको पता है कि तीन इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते हैं, तीन इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते हैं, उसी से रिलेटेड आपके रजिस्टर भी होते हैं। तो पहला ये था कि इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, तीन थे। उसी में सबसे पहले है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाई अंडर द सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 49 शैल मेंटेन इन अ फॉर्म नंबर जीएसटी पेमेंट 1 फॉर ईच पर्सन, जो जो पर्सन लाइबल टू पे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी और एनी अदर अमाउंट ऑन द कॉमन पोर्टल एंड ऑल अमाउंट पेबल बाय हिम शैल बी डेबिटेड टू सेड क्रेडिटर सेड रजिस्टर। सिंपल सी बात कही गई कि भैया जो भी टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करना है, लेट फी करना है या फिर कोई भी अमाउंट जो हमने कॉमन पोर्टल में पे करना है वो इसमें शो करेगा, और सारे पे होने के बाद, पेबल होने के बाद उनके डेबिटेड हो जाएगा, इस मतलब हट जाएगा लाइबिलिटी रजिस्टर से। सिंपल। नाउ द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर ऑफ पर्सन शैल बी डेबिटेड, किस किस से डेबिटेड होगा? द अमाउंट पेबल टू अदर टैक्स, इंटरेस्ट या फिर लेट फी दी है, या फिर अमाउंट पेबल एज अ पर द रिटर्न फर्निश बाय द सेड पर्सन, या फिर अमाउंट टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और एनी अदर अमाउंट पेबल एज डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द पर्सन ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट और सर्टेन बाय द सेड पर्सन। सिंपल, कोई भी लेट फी हो या इंटरेस्ट हो या फिर टैक्स हो या फिर रिटर्न फर्निश करी गई वो पे उसके लिए डेबिट होगा, या फिर कोई भी टैक्स हो, इंटरेस्ट हो जो डिटरमाइन करा गया हो बाय द प्रॉपर ऑफिसर, बाय द प्रॉपर ऑफिसर अकॉर्डिंग टू एनी प्रोसीडिंग वो भी डेबिटेड होगा, या फिर द अमाउंट टैक्स एंड इंटरेस्ट पेबल एज अ रिजल्ट ऑफ मिसमैच अंडर सेक्शन 43 और 42 और 43 और सेक्शन 50। इसमें क्या है, जब आपका आईटीसी अगर मैच, आपका जो आपने रिटर्न फर्निश करा है और आपने जो रिटर्न फर्निश करा और टैक्स पे करा उसमें मिसमैच होता है, तो उसका भी टैक्स इंटर अगर लेट होता है तो आपको इंटरेस्ट लगता है और टैक्स पे करना होता है, वो भी आपको उसके लिए भी डेबिट होगा इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर से। सिंपल। और भी कोई अमाउंट जो इंटर दैट अक्यूरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम, और जो टाइम टू टाइम अक्यूरेंस जो जो आपके टाइम टाइम अक्यूर होता है उसको भी आपको, उस इंटरेस्ट को भी डेबिटेड होता है फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर से। सिंपल, ये आपको चारों पॉइंट याद रखने। सिंपल। नाउ सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 49A and 49B, payment of every liability by a registered person as per the his return shall be made by debited electronic credit ledger maintained as per the rule 86 or electronic cash ledger maintained as per 87 and electronic tax liability register shall be credited accordingly. Simple. Now, for amount deducted under section 51, TDS जो है, TDS होता है under section 51 और collected under section TCS 52 और amount payable under subsection 3 और subsection 4 of section 9 या फिर amount payable under the section 10 composition या फिर subsection 3 और 4 5 integrated good and service tax या फिर subsection 3 और subsection 4 7 unitary good and service tax और any amount payable toward the interest penalty fee or any amount under the integrated good and service act shall be paid by the debited electronic cash ledger maintained as per rule 87 and electronic tax liability register shall be credited accordingly. simple. now इन्होंने कहा कि कोई भी, ये जितने हमने पढ़ा है, simple, इन्हें कहाँ से debit होगा? electronic cash ledger से, जो maintain करा गया according to 87 और electronic tax liability में क्या हो जाएगा? credit हो जाएगा accordingly. simple. now any amount deemed demand
डेबिटेड इन इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी रजिस्टर शैल बी स्टैंड रिड्यूस द एक्सटेंड ऑफ रिलीफ गिवन बाय द अपीलेंट अथॉरिटी या फिर अपीलेंट ट्रिब्यूनल। जो भी डेबिटेड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी से, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लाइबिलिटी से, वो रिड्यूस कर दिया जाएगा, एक तरह का रिलीफ दिया जाएगा। इफ किसके द्वारा कोई रिलीफ दिया जा रहा है, कोई भी अपीलेंट अथॉरिटी द्वारा, अपीलेंट ट्रिब्यूनल द्वारा या फिर कोर्ट द्वारा। सिंपल। नाउ The amount penalty imposed या फिर liable to impose shall stand reduced partially या फिर fully as the case may be if the taxable person make the payment of tax interest penalty specified in so called notice demand order and the electronic tax liability record shall be credited accordingly. Now arrested person shall upon the notice and discrepancy in his electronic liability register communicate the same to the officer exercising jurisdiction in the matter through the common portal in a PMT4. इम्पोर्टेंट फॉर्म के अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, अगर कोई भी नोटिस मिला है एनी डिस्क्रिप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर, उस चीज को क्या करना है, उस नोटिस को तुरंत ऑफिसर के संग जो ऑफिसर है उससे थ्रू द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म नंबर फाइल करना है। नाउ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, जितना भी आप ITC पे करते हैं वो चीज इसमें शो करता है, तो अकॉर्डिंग टू 86 द इनपुट क्रेडिट लेजर सेल में मेंटेन इन अ फॉर्म नंबर PMT2। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर किसमें बनाया था, 1 में, ठीक है, PMT1 में। अब हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो बनाएंगे PMT2 में बनाएंगे फॉर ईच रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट। जितने भी आप इनपुट टैक्स देते हैं वो इसमें शो करता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जिससे आप क्या करें आउटपुट टैक्स दे सकते हैं, उसी को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। अंडर द एक्ट ऑन कॉमन पोर्टल एवरी क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द एक्ट शैल बी क्रेडिट टू द सेड लेजर। जितने भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो क्रेडिटेड होंगे सेड इसमें इलेक्ट्रॉनिक के, जितना भी इनपुट टैक्स देंगे वो क्रेडिट होंगे इलेक्ट्रॉनिक के इस लेजर में। Then electronic credit laser shall be debited to the extent of discharge of any liability in accordance with the section 49 or 49A or 49B. जितने भी credit laser में जितने भी amount होंगे वो debited तभी होगा, कोई भी हम output tax liability या फिर अपने liability को discharge करने के लिए use करेंगे। Now whether registered person has claim a refund of any unutilized amount from the electronic credit laser in accordance with the provision of section 54, the amount to extend claim shall be debited to the said laser. और अगर कोई भी registered person claim करता है जो उसका amount electronic credit laser में amount unutilized है, utilize नहीं करा गया, वो amount वो उसमें से debit हो जाएगा, इसमें से debit हो जाएगा। Now, if the refund so filled is rejected, अगर जो हमने refund मांगा है, जो अगर हमने unutilized refund मांगा है, अगर वो rejected हो जाता है, either fully या फिर partially, the amount debited under sub-rule 3, the extent of the rejection shall be recredited to the electronic cash ledger by the proper officer by order made in the form number GST payment through. यहाँ पे हम, ये आपको याद हो गया, electronic cash ledger के लिए 1 बन रहा था, 4 के लिए का जब रजिस्टर्ड पर्सन कोई नोटिस देता है उसके लिए बनना था PM4, और 2 जो है हमारे क्रेडिट लेजर के लिए बनना था, और 3 किस लिए है, जब कोई भी पर्सन रिफंड मांगता है वो रिजेक्टेड हो जाता है, अमाउंट जो है वो डेबिटेड भी हो जाता है, तो डेबिटेड होने के बाद रिक्रेडिट करना उस इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में एक फॉर्म भरा जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर, एक ऑर्डर दिया जाएगा बाय द प्रॉपर ऑफिसर इन द फॉर्म नंबर GST payment 3, ठीक है, ये फॉर्म हमें याद करते हुए चलना है। नाउ वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम अ रिफंड ऑफ एनी अमाउंट पेड एज अ टैक्स रॉन्गली पेड या फिर पेड इन एक्सेस फॉर व्हिच डेबिट हैज बीन मेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर द सेम अमाउंट if found admissible shall be recredited to the electronic credit ledger by the proper officer by the order in the form number GST PM 3. Simple. Now save as provided in this rule no entry shall be made directly in electronic credit ledger under any circumstance. जैसे कोई भी अगर आपने अभी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो डायरेक्टली एंट्री नहीं होगी, नहीं सो करेगा। नाउ रजिस्टर्ड पर्सन सेल अपॉन नोटिस एनी डिस्क्रिपेंसी इन हिज इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कम्युनिकेट द
सेम टू द ऑफिसर एक्साइजिंग जुडिशियल मैटर थ्रू द कॉमन पोर्ट ऑफ इंडिया में। और कोई भी डिस्क्रिप्शन होती है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैरी लेजर में, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है, वो कम्युनिकेट कर सकता है थ्रू द फॉर्म नंबर PMT04। अंडरस्टैंड? नाउ अब कुछ कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन कंडीशन ऑफ यूज अमाउंट अवेलेबल इन इलेक्ट्रॉनिक कैरी लेजर 86A वाइड नोटिफिकेशन 75/2019 सिटी डेट 26/12/2019 द गवर्नमेंट हैज इंसर्टेड 86A इन द जीएसटी रूल 2017 व्हिच एम्पावर द जीएसटी ऑफिसर, किसको? जीएसटी ऑफिसर टू ब्लॉक द अनयूटिलाइज्ड अमाउंट इन द इनपुट क्रेडिट इनपुट टैक्स इन सर्टेन सिनेरियो एज बिलो। अब इन्होंने क्या कहा कि अगर आपके इनपुट टैक्स क्रेडिट में जो अमाउंट पड़ा है, अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ा है, उसे जीएसटी ऑफिसर द्वारा क्या करा सकता है? ब्लॉक करा जा सकता है, क्रेडिट के लिए होल्ड करा जा सकता है फॉर यूटिलाइजेशन। नाउ कौन कौन से अमाउंट, कब, किन किन केसों में, उसकी बात करते हैं। नाउ द कमिश्नर या फिर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ नॉट द बिलो ऑफ द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रीजन टू बिलीव दैट credit of input tax available in electronic credit ledger has been fraudulently availed or ineligible as much। अब कब कब hold करा सकते हैं, कब कब block करा जा सकता है? जब officer को लगता है कि जो input tax credit इनके credit account में है, input tax credit अगर इनके electronic credit ledger में है, वो किस तरीके से fraudulently या availed करा गया या फिर ineligible के through availed करा गया है, तब उसे block करा जा सकता है, तब उसे block करा जा सकता है। As much the credit of in as much is ineligible in as much as the credit of input tax has been availed on the strength of tax invoice या फिर debit note या फिर any other document prescribed under rule 36 issued by the registered person who has been found non-existent या फिर non-conducting any business from any place for which register has been obtained without receipt of good or service or both। अब उन्होंने क्या लिखा कि मान लिया जाए ए है बी है, ए है बी है, ए क्या करते हैं गुड सप्लाई करते हैं बी को, ए क्या करते हैं गुड सप्लाई करते हैं बी को, जैसे इन्हें ए का काम क्या है कॉटन सप्लाई करना, ठीक है। इन्हें क्या करा बी को बिना कॉटन सप्लाई करे ही एक इनवॉइस बना दिया, एक वॉइस बना दिया, ठीक है। और बी क्या कर रहे हैं उस पर क्लेम कर रहे, उस जो ये इनवॉइस बनाया है बी ने विदाउट सप्लाइंग द गुड्स, विदाउट सप्लाइंग द गुड इनवॉइस बनाया उस पर क्या कर रहे हैं बी क्लेम कर रहे हैं ITC। तो क्या एक फ्रॉड है, क्या एक फ्रॉड है, तो इसे क्या करा पाए तो ऑफिसर जीएसटी ऑफिसर इस अमाउंट को जो ये यूटिलाइज करने वाले हैं इसे ब्लॉक कर सकते हैं, यही बताया गया इसमें, सिंपल। या फिर बी का कोई बिजनेस, ए का कोई बिजनेस ही नहीं है, मगर इन्हें बताया जा रहा है कि ए के द्वारा इन्होंने गुड्स लिया है, इस टाइम में भी जो ये इनवॉइस के अकॉर्डिंग ये क्लेम कर रहे हैं इसे भी ब्लॉक करा जा, इतने अमाउंट को ब्लॉक करा जा सकता है बाय द जीएसटी ऑफिसर, सिंपल। नाउ ये ए था। अब दूसरा, द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन अवेल ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 36 इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई the tax charge in respect of which has been not been paid to the central government। और दूसरा इन्होंने कहा कि input tax credit जो है वो avail कर रहे हैं, मगर avail कर रहे हैं, अब यहाँ जो है A क्या कर रहे हैं, जब input tax credit, जब B क्या कर रहे हैं avail कर रहे हैं, B invoice अगर avail कर रहे हैं, input tax credit avail कर रहे हैं on the cotton, तो क्या होना चाहिए, A पहले tax pay करेगा in cotton पे, cotton में अगर उन्होंने GST लिया है तो A क्या करेंगे पे करेंगे तो अगर इन्हें पे नहीं करा तब भी क्या कर रहे हैं क्लेम कर रहे हैं, तो इस टाइम में भी क्या करा जा सकता है ब्लॉक करा जा सकता है, इस टाइम में भी क्या करा जा सकता है उनके अमाउंट को ब्लॉक करा जा सकता है। नाउ सी द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हैज बीन फाउंड नॉन एग्जिस्टेंट या फिर नॉन द कंडक्टिंग एनी बिजनेस फ्रॉम एनी प्लेस फॉर व्हिच रजिस्टर हैज बीन ऑब्टेन। सिंपल बात कहेगी कि किसी पर्सन द्वारा ITC क्लेम करा जा रहा है, उनका बिजनेस ही नहीं है, तब भी वो क्लेम कर रहे हैं, तब भी उनकी अमाउंट को होल्ड करा ब्लॉक करा जाया जा सकता है। नाउ द रजिस्टर्ड पर्सन अवेलिंग एनी क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इज नॉट इन पोजिशन ऑफ टैक्स इनवॉइस या फिर डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज प्रिस्क्राइब रूल 36 may for reason to be recorded in writing not allow debit of amount equivalent to such credit in electronic credit ledger
फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 49 या फिर क्लेम फॉर क्लेम एनी रिफंड ऑफ एनी एम्प्लॉय बाय द प्रॉपर ऑफिसर लगता है कि कोई गलती हुई है क्या गलती हुई जैसे उनके पास कोई टैक्स इनवॉइस नहीं है डेबिट नोट नहीं है फिर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है जैसा उन्होंने 36 में बता रखा है तो अगर उनके पास ये सारी चीजें नहीं है तो क्लेम नहीं करा जा सकता फॉर द रीजन बता देंगे ऑफिसर ठीक है नाउ द कमिश्नर या फिर ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम अंडर सब रूल 1 मे अपॉन बीइंग सैटिस्फाइड दैट कंडीशन ऑफ डिसअलाउइंग डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एज अबव नो लॉन्गर एक्शन अलाउ सच डेबिट दूसरा सच क्रेडिट रिस्ट्रिक्शन शैल सीज टू हैव इफेक्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिंग सच रिस्ट्रिक्शन और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है कि आप जो अमाउंट है उसे ब्लॉक करा गया वो एक साल तक ही हो सकता है सिंपल नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की हमने अभी तक क्या पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर पढ़ ली इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर पढ़ ली अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की नाउ अकॉर्डिंग टू रूल 87 of GST rule 2017 the electronic cash ledger under sub rule 1 of section 49 shall be maintained in form number GST payment 05 jo bhi electronic cash ledger hai wo 5 mein banayi jayegi for the such each person liable to pay tax interest penalty late fee or any other amount on the common portal for the credit in the amount deposit and debiting the payment thereof form toward tax interest penalty fee ya fir any other amount unhone kaha ki जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर है वो फॉर्म 5 में बनाई जाएगी PMT 05 में बनाई जाएगी ठीक है और किस लिए जो जो पर्सन लायबल होगा पे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी फी और कॉमन पोर्टल फॉर द अमाउंट डिपॉजिट एंड डेबिटिंग द पेमेंट देयर फॉर्म टुवर्ड अ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी और फी देन एनी पर्सन और पर्सन हिज बिहाफ शैल जनरेट अ चालान इन फॉर्म नंबर GST पेमेंट ऑन द कॉमन पोर्टल and enter the detail of amount to deposit by him towards the tax interest penalty ab main pehle kya hai chalan dwara bhi hum ye sari payment kar sakte hain tax payment interest penalty pay kar sakte hain chalan dwara ya fir online bhi kar sakte hain debit card any card NEFT jitne bhi cheeze unse online bhi payment ho sakta hai mar jab chalan ke according karenge to jo chalan hai wo isme form number GST payment 06 mein होना चाहिए देन जो चलान है वो वैलिड होता है केवल 50 डेज के लिए वैलिड कितने दिन के लिए होता है 50 डेज के लिए वैलिड होता है प्रोवाइड फर्दर दैट पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एसएस और रिटर्न सर्विस फ्रॉम द प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट रिफर टू इन सेक्शन 14 ऑफ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 may also through the board's payment system namely electronic accounting system in excise or service tax from the date of notified by the board koi bhi unka payment hoga wo isi according hi hoga the deposit under sub rule 2 shall be made through the any calling mode internet banking ho sakta hai credit ho sakta hai NEFT ho sakta hai ya fir real time cross settlement ho sakta hai ya fir over the counter payment bhi ho sakta hai magar over the counter payment jo hoga wo 10,000 tak hi hoga Now, provide that restriction of for deposit upon the 10,000 rupees per chalan in case of over-the-counter payment shall not be applied to deposit made by. ये जो हमारे restriction है कि जो over-the-counter है वो हम 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते कितना 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते वो उन personों पे जो ये falling person है इन पे apply नहीं होता ये 10,000 ज़्यादा कर सकते over-the-counter पहले government department या फिर own other deposit made by the person as notified by the commissioner in this behalf proper officer या फिर any other officer authorized to recover outstanding due from any person whether registered or not including the recovery made through the attachment या फिर sale of movable या फिर immovable property प्रॉपर ऑफिसर या एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज फॉर द अमाउंट कलेक्टेड बाय वे ऑफ केस चेक डिमांड ड्राफ्ट और ड्यूरिंग एनी इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट एक्टिविटी या एनी अदर एडहॉक डिपॉजिट इन सब पे 10,000 का एप्लीकेबल नहीं होता सिंपल नाउ एनी पेमेंट रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड
कोई भी पेमेंट करी जा रही है पर्सन द्वारा जो रजिस्टर नहीं है अंडर दिस एक्ट शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड थ्रू द कॉमन पोर्टल। जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है मगर उनके द्वारा पेमेंट करी जा रही है, वो जो पेमेंट करी जाएगी थ्रू द टेम्पररी आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेटेड जो होगा उससे करी जाएगी। वेयर द पेमेंट इज मेड बाय द नेफ्ट और आरटीजीसीएस मेड फ्रॉम एनी बैंक द मैंडेट फ्रॉम सेल बी जनरेट अलॉन्ग विद द चालान या फिर ऑन कॉमन पोर्टल द सेम सेल बी सबमिटेड टू द बैंक फ्रॉम द वेयर द पेमेंट इज मेड प्रोवाइड दैट मैंडेट फ्रॉम द सेल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ 15 डे ऑफ द जनरेशन ऑफ चालान। जैसे आपको पता है कि जो भी चालान अगर नेफ्ट और आरटीजीएस द्वारा करा जाएगा तो उस चालान को सबमिट करा जाएगा बैंक को और जो चालान है वो 15 डे के लिए वैलिड होता है। ऑन द सक्सेसफुल क्रेडिट ऑफ अमाउंट टू कंसर्न गवर्नमेंट अकाउंट मेंटेन द ऑथराइज बैंक चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी जनरेटेड बाय द कलेक्टिंग बैंक एंड सेम शैल बी इंडिकेट इन द चालान। जब भी क्रेडिट अब क्या होगा गवर्नमेंट को जब पैसा पहुंच जाए क्रेडिट हो जाएगा उस होने के बाद चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होगा जो बैंक द्वारा जिस बैंक द्वारा कलेक्ट करा जाता है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ द CIN चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द ऑथराइज बैंक द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ऑफ द पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ द डिपॉजिट हैज मेड फ्रॉम द कॉन्पोर्टल सेल मेक अवेलेबल इन रिसिप्ट टू द अफेक्ट। नाउ where the bank account of person concerned या फिर person making deposit in this behalf debited but no challan identification number is generated। क्या हो गया debited तो हो गया मगर challan identification number generate ही नहीं हुआ है generated या फिर generated but not communicated to the common portal said partner may represent electronic in form number GST payment through the common portal to the bank या फिर electronic gateway through the which deposit was initiated। सिंपल से बात कहेगी कि अगर बात किया जाए कि आपका अकाउंट डेबिट हो गया क्या होता है जब हम UPI से ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारा पेमेंट तो हो गया हमारा बैंक से पैसा तो कट जाता है डेबिट हो जाता है मगर सामने वाले के पास नहीं जाता तो उस टाइम में जैसे हम क्या होता है कि हम वेट करते हैं 3 दिन में या 2 दिन में आ जाएगा पैसा वाला मगर यहाँ पर क्या करना है आपका अगर डेबिट हो जाता है मगर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट नहीं होता है पर जनरेट हो जाता है मगर कम्युनिकेट नहीं होता कॉमन पोर्टल में तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा इन फॉर्म नंबर जीएसटी पेमेंट में थ्रू द कॉमन पोर्टल किसको बैंक को या फिर इलेक्ट्रॉनिक गेटवे थ्रू विच वॉर डिपॉजिट ऑनर कि हमारा भैया पेमेंट हो चुका है डेबिट हो चुका है मगर चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं आया। नाइन्थ एनी अमाउंट डिडक्टेड अंडर 51 TDS और TCS एंड द क्लेम इन फॉर्म नंबर GSTR02 बाय द रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम हुम ही सेड amount was deducted as the case may be collected shall be credited in electronic cash ledger in accordance with the provision of 87. Now where the person has claimed refund of any amount from the electronic cash ledger said amount shall be debited to the electronic cash ledger. 9. If the refund so claim is rejected agar refund claim jo kar rahe hain aur rejected ho jata hai either fully the amount debited under subrule 10 to the extent of rejection shall be credited ho jayega electronic cash ledger mein by the proper person in the form number ऑर्डर जो है क्रेडिट होने के बाद जीएसटी पेमेंट 03 में बता दिया जाएगा। सो ये आपका 87 भी कंप्लीट। नाउ आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर द ईच ट्रांजेक्शन रूल 88 एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर शैल बी जनरेटेड एट द कॉमन पोर्टल फॉर ईच डेबिट और क्रेडिट टू द इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर एट द केस में भी हर एक अगर कोई भी डेबिट होता है कोई भी क्रेडिट होता है फ्रॉम योर क्रेडिट लेजर या फिर केस लेजर से तो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होता है। सिंपल दूसरा यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रिलेटिंग टू डिस्चार्ज ऑफ एनी लायबिलिटी शैल बी इंडिकेटेड इन द कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री इन द इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो होगा वो इसलिए होगा कि आप जो भी लायबिलिटी है जो आपकी लायबिलिटी है उससे डिस्चार्ज कर सके और जो आपकी लायबिलिटी है वो शो करेगी इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर में। A unique identification number shall be generated at the common portal for each credit in electronic tax liability register for reason to be on those covered under subroom 2. Simple. So, ye hamara 85, 86, 87 aur 88 complete hota hai. Rule of CGST. Rules 2017. Simple. Now, ab baat karte hain refund ki. Refund refer to amount that is due to taxpayer from the tax administration. अब refund simple सी बात है आपको भी पता है कि कभी क्या होता है कि हम जो
जो हमारा अमाउंट है टैक्स है हम ज्यादा पे कर देते हैं, हमारी यूटिलाइजेशन कम करनी चाहिए, इनपुट टैक्स में ज्यादा कट जाती है, तो उस चीज को रिफंड करने का प्रोसीजर और रिफंड कैसे करा जाता है ये बताया जाए, और कितने दिन में रिफंड होता है ये भी सारी चीजें सेक्शन 54 में बताई जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 ऑफ जीएसटी एक्ट, एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड या फिर एनी टैक्स एनी सॉरी एनी पर्सन क्लेमिंग रिफंड ऑफ एनी टैक्स इंटरेस्ट इफ एनी पेड ऑन सच टैक्स या फिर एनी अदर अमाउंट पेड बाय हिम मे मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेवेंट ऑफ डेट। सिंपल, कितने में? 2 साल खत्म होने से पहले, 2 साल खत्म होने से पहले। और कोई भी पर्सन रिफंड करना, रिफंड लेना चाहता है, रिफंड क्लेम करना चाहता है किसी भी टैक्स का, किसी भी इंटरेस्ट का, किसी भी टैक्स का, किसी भी इंटरेस्ट का, तो उसे 2 साल, जिस दिन उसने टैक्स पे करे हैं, जितनी उस दिन इंटरेस्ट पे करे हैं, उसे 2 साल खत्म होने से पहले, 2 ईयर एक्सपायर होने से पहले आपको एप्लीकेशन फाइल करना है, एप्लीकेशन फाइल करना है। इफ देयर एनी बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ टैक्स इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी फी या फिर कोई भी अमाउंट पेबल, मे क्लेम सच रिफंड इन द रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 39। और दो चीज यहाँ से, यहाँ एक अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है। अगर कोई भी आपके अमाउंट इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में पड़ा हुआ है, तो क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे कि आप रिटर्न, आप क्या करेंगे, एक रिटर्न फर्निश करेंगे अंडर सेक्शन 39 में कि मुझे जो अनयूटिलाइज अमाउंट बच गया उसे रिफंड कर दीजिए, उसे रिफंड कर दीजिए। सिंपल। नाउ रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें अनयूटिलाइज अमाउंट रह गया, उसका यूज, उसका रिफंड। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 ऑफ जीएसटी एक्ट 2017 स्टेट दैट सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 54 सेक्शन 10 अ रजिस्टर्ड पर्सन मे क्लेम रिफंड ऑफ एनी अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड द एंड ऑफ टैक्स पीरियड। आपका जब टैक्स पीरियड खत्म हो रहा है तब वो क्लेम कर सकता है कोई भी अनयूटिलाइज्ड टैक्स क्रेडिट एट द एंड ऑफ एनी टैक्स पीरियड सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ अंडर सबसेक्शन इन द फॉलोइंग केसेस। किस किस में? जीरो रेट सप्लाई मेड विदाउट द पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर कोई भी जीरो रेट सप्लाई करी है बिना पेमेंट के, ठीक है, वेयर द क्रेडिट हैज एक्युमुलेटेड ऑन द अकाउंट ऑफ रेट टैक्स इनपुट बीइंग हायर देन द रेट ऑफ टैक्स ऑन द आउटपुट सप्लाई सब्जेक्ट टू, वो कर सकता है मगर कुछ प्रोविजन, कुछ फॉलोइंग केसेस में उसे फुल करने पड़ेंगे। हाउएवर द रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अलाउ इन द फॉलोइंग केसेस। किन किन केसेस में अलाउ नहीं है? अलाउ नहीं है, इन केसेस में तो अलाउ है मगर किन केसेस में अलाउ नहीं है? वेयर द गुड्स एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया, आउट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी है, उनमें हम क्लेम नहीं कर सकते अनयूटिलाइज्ड से क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट। दूसरा, the supplier of good या फिर service both avail drawback in respect of central tax या फिर claim refund of the integrated tax payer no such supply। इन दोनों केसेस में हम unutilized input tax credit refund नहीं कर सकते, refund नहीं claim, refund नहीं claim कर सकते। Simple। Now according to section B, section 44 subsection 4, 5 or 7 meant that after the receipt of application if a declaration as the case may be, if the proper officer is satisfied that the whole or part of amount claim as a refund is refundable, he make an order within 16 days. Kitne? 16 days from the receipt of application and the amount so determined shall be credited to the consumer welfare fund. Simple. Now, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आने के बाद, कोई भी डिक्लेरेशन आने के बाद अगर प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि पूरा जो अमाउंट रिफंड है, जो क्लेम कर रहे हैं फंड, वो रिफंडेबल है, तो वो एक ऑर्डर बनाते हैं विद इन 16 डेज, जब उनके विद इन 16 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, और जो अमाउंट है वो डिटरमाइन करने के बाद क्रेडिट कर देते हैं कंज्यूमर वेलफेयर फंड में। हाउएवर द रिफंडेबल अमाउंट सेल इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिट टू द फंड be paid to the applicant if such amount is relatable। कब? अब इन्होंने जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में करा, कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जो इन्होंने करा है क्रेडिट करा है, उस अमाउंट को वो रिफंड कर देते हैं किसको, एप्लीकेंट जिन्हें एप्लीकेशन भरा है। मगर किन केसों में वो एप्लीकेशन, एप्लीकेंट जो है उन्हें अमाउंट रिफंड नहीं करते। हाउएवर द रिफंडेबल अमाउंट सेल इंस्टेड ऑफ बीइंग क्रेडिट टू द फंड
बी पेड टू एप्लीकेंट इफ सच अमाउंट इज रिलेटेड, अगर रिलेटेबल होगा तभी उन्हें एप्लीकेंट को दिया जाएगा, रिलेटेबल नहीं होता है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। कब कब रिलेटेबल माना जाएगा, तब रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन एक्सपोर्ट गुड या फिर सर्विस या फिर बोथ इनपुट या फिर इनपुट सर्विस मेकिंग अ सच एक्सपोर्ट, रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड टैक्स क्रेडिट अंडर द सबसेक्शन थर्ड, रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन सप्लाई व्हिच इज नॉट प्रोवाइडेड आइदर ओनली पार्शियली और फॉर व्हिच इनवॉइस हैज बीन नॉट बीन इशू और वेयर द रिफंड वाउचर हैज बीन इशूड एंड रिफंड ऑफ टैक्स पर्सन सेक्शन 77 द टैक्स इंटरेस्ट इफ एनी और एनी अदर अमाउंट पेड बाय एप्लीकेंट इफ ही हैड नॉट पास द इंसिडेंस ऑफ सच टैक्स इंटरेस्ट ऑन एनी अदर पर्सन या फिर कोई भी टैक्स इंटरेस्ट बोर्न बाय सच अदर क्लास ऑफ एप्लीकेंट एज द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय द नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड। नो आगे चलते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स to the retail outlet established in departure area of international airport beyond the immigration counter making tax free supply on the outgoing international tourist, retail outlet established in departure area of international airport beyond the immigration counter supplying indigenous goods to the outgoing international tourist who is leaving India shall be eligible to claim refund of tax paid by him it on inward supply of such goods. कोई भी retail departure है international airport पे, good immigration counter supplying India's goods to outside international tourists, जो outside international tourists को supply करा जा रहा है, जो leaving India shall be eligible है कि वो क्लेम कर सकता है रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ सच गुड्स, द रिफंड ऑफ टैक्स पेड बाय सच रिटेल आउटलेट शैल बी अवेलेबल इफ, अवेलेबल कब होगा, जब वो इनवर्ड सप्लाई कर रहा गुड्स वर रिसीव बाय सैड रिटेल आउटलेट फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन अगेंस्ट द टैक्स इनवॉइस, इनवॉइस सप्लाई तब क्योंकि इनवॉइस के यहाँ पे दे रहे तो इनवॉइस उसके पास होना चाहिए, द सैड गुड वर सप्लाई बाय सैड रिटेल आउटलेट टू द आउटगोइंग इंटरनेशनल टूरिस्ट अगेंस्ट द foreign exchange without the charging any tax or foreign exchange ke according hua hai bina kisi charging tax ke, theek hai, jo goods unhone kaha hai wo foreign exchange ke liye hua, and name and goods and service tax identification number of retail outlet is mentioned in the tax invoice, aur jo naam hai good service tax identification number agar invoice mein diya tabhi ho sakta hai invoice supply pe, aur such other restriction condition as may be specified, maan lijiye ki ye three condition apply honi chahiye tabhi invoice supply इनवर्ड सप्लाई आईटीसी क्लेम करी जा सकती है, सिंपल। नाउ अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड, जो हम रिफंड क्लेम कर रहे हैं उस पर अगर इंटरेस्ट कितना लगेगा, अकॉर्डिंग टू 56 स्टेट दैट इफ एनी टैक्स ऑर्डर टू बी रिफंड अंडर सेक्शन 54 is not refundable within 16 days from the date of receipt of the applicant's interest, such rate not exceeding 6% as may be specified notification issued by the government. उन्होंने कहा कि अगर 60 day के अंदर refund नहीं होता है, 16 day के अंदर अगर refund नहीं होता है, तो उस पे 6% ज्यादा क्या नहीं लगेगा, interest नहीं लगेगा, simple. Now where any claim of refund arises from the order passed by the adjudicating authority या फिर appellant authority या फिर appellant tribunal या फिर court which attained finality and the same is not refundable within 16 days from the date of receipt of application filed concerning such order interest of such rate not exceeding 9%, यहाँ पे क्या था, केवल 6%, यहाँ पे 9% अगर किसी order के according उसे refund करना हो, claim refund कर रहा उसे नहीं मिला हो, रिफंड में भी क्लेम इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इन सिचुएशन में रिफंड क्लेम करा जा सकता है, इन सिचुएशन में रिफंड क्लेम करा जा सकता है, मगर इन सिचुएशन में रिफंड क्लेम नहीं कर सकता गुड अगर एक्सपोर्टेड ड्यूटी हो या फिर क्या ड्रॉबैक क्लेम करने की सिचुएशन में, इनमें नहीं करा जा सकता, ठीक है, याद रखेंगे। नाउ टाइम लिमिट, आपको बता चुके हैं कि क्लेमिंग अ पर्सन क्लेम अ रिफंड ऑफ टैक्स इंटरेस्ट में मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टू ईयर खत्म होने से पहले उसे एप्लीकेशन बना देना है कि मुझे रिफंड चाहिए,
from the date of relevant date. However, the person claiming a refund of unutilization ITC in case of zero rated supply or the accumulated ITC in case of inverted duty structure may as end of the tax period. Now, अब इन्होंने कहा कि जो relevant date है, ये क्या है? Relevant date, where the goods are exported by the air, या फिर see, date on which vessel or leave India, leaves India. Simple से बात कहेगी कि expiry of 2 year from the date of relevant date. तो relevant date क्या है? कि जब अगर हम कोई भी goods अगर through the vessel, एयर या सी के द्वारा कर रहे हैं, तो जो एयर और सी मान लिया जाए हम किसी सी द्वारा कर रहे हैं, तो जो हमारी सिप है अगर वो इंडिया से जिस दिन जा रही है वही हमारा क्या कहलाएगा, रिलेवेंट डेट कहलाएगा. अगर हमारा एक्सपोर्ट बाय लैंड हो रहा है तो पास द फोर्टनाइट वो कहलाएगा. वेर द रिफंड ऑफ यूटिलाइजेशन आईटीसी इन केस ऑफ जीरो रेट सप्लाई या फिर accumulated in ITC in case of inverted duty structure is claim, तो end of financial year in which such claim of refund arises. तो end of financial year, जब हमारा financial year खत्म हो जाएगा, उस दिन से 2 year कहलाएगा. In case of refunding arising out of finalization of provision assessment, date of adjustment of tax after the final assessment के दिन से हमारा क्या कहलाएगा, 2 year कहलाएगा. And in other case, date of payment से हमारा क्या 2 year कहलाएगा. एक्सपायरी वो 2 year खत्म होने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपना एप्लीकेशन भर देना है फॉर द रिफंड. नाउ एप्लीकेशन फॉर रिमा जो है अकॉर्डिंग सेक्शन 54 एनी पर्सन क्लेमिंग अ रिफंड मे फाइल एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर जीएसटी रिफंड 01 इलेक्ट्रॉनिक थ्रू द जीएसटी पोर्टल. सिंपल. नाउ डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन, द रिफंड एप्लीकेशन मस्ट बी कंप्लाइज विद द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन. Additionally, where the amount of refund claim doesn't exceed 2 lakh rupees. उन्होंने कहा कि कोई भी अगर refund लेना है तो जो application आप file कर रहे हैं refund 01 में उसके साथ document होना सबसे ज्यादा जरूरी है. और जो भी amount आप refund कर रहे हैं वो कभी भी 2 lakh से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. The refund application must be complies with the declaration that incidence of tax not been passed or any other person thereof. Prudent unjust entrenchment. Simple. However, where the amount of refund claim is greater than 2 lakh, अगर refund जो amount है आपको 2 lakh से ज्यादा नहीं करना. अगर 2 lakh से ज्यादा करते हैं तो certificate as part of refund 01 certified करवाना पड़ेगा chartered account से, cost accountant से. अगर कोई भी 2 lakh से ज्यादा आप करवा रहे हैं, refund ले रहे हैं, तो उसे refund उस application को आपको certified करवाना पड़ेगा by the chartered accountant या फिर cost accountant. Now, refund amount. According to 89 sub rule 4 state that in case of zero rate supply of good or service both without a payment tax under bond या फिर later undertaking in accordance to the provision of section 3rd of section 16 integrated good and service tax, refund of input tax credit shall be generated as per the formula mentioned thereby. Or state that in case of inverted duty structure supply good both refund of tax would be generated proportionately as per the formula there. We have formula bataenge usko according refund kara jata amount in the case of integrated tax. Simple. Aapko pata hi hai ki 60 day mein aapko refund aa jata hai, 60 day mein refund karna hota hai. Agar 60 day mein refund nahi karte to 6% lagta hai in the case of simple. Agar order dwara aap refund claim kar rahe hain तो वो भी 60 डे में हो जाता है. अगर नहीं होता है तो इंटरेस्ट लगता है उस पे 9%. ये आपको ऊपर बता चुके हैं. अब बात करते हैं ऑडिट की. आपको पता है जब हम अपना जितना भी रिफंड करते हैं, जितना भी टैक्स पेमेंट करते हैं, उसकी ऑडिट करवानी जरूरी होती है. सो ऑडिट अंडर द गुड एंड सर्विस टैक्स कैन बी 2 टाइप. जो ऑडिट करवाते हैं 2 टाइप की होती है. पहला जनरल ऑडिट और दूसरा जो होता है वो होता है हमारा स्पेशल ऑडिट. अब जनरल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट में फर्क क्या है ये बात करते हैं और क्या क्या इनमें जरूरी है. सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65 ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 स्टेट दैट कमिश्नर या फिर एनी अदर ऑफिसर सो ऑथराइज बाय हिम बाय वे ऑफ जनरल और स्पेशल ऑर्डर एनी अंडरटेक द ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन एट द प्लेस ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन और इन देयर ऑफिस फॉर फाइनेंशियल ईयर और मल्टीपल देयर ऑफ. अब क्या बोला गया कि कोई भी कमिश्नर या फिर कोई भी ऑफिसर जो ऑथराइज करा गया हो बाय द कमिश्नर
वो ऑडिट कर सकता है किसके, रजिस्टर्ड पर्सन का, रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसके रजिस्टर्ड पर्सन में प्लेस ऑफ बिजनेस या फिर जहां वर्क हो रहा है वहां पे कभी भी ऑडिट कर सकता है। टाइमलाइन दिया हुआ है, अ नोटिस ऑफ 50 डे इज रिक्वायर्ड टू गिवन प्रायर टू कंडक्ट ऑफ ऑडिट बाय द प्रॉपर ऑफिसर वेयर इट इज अ डिसाइड टू अंडरटेक द ऑडिट ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कमिसमेंट ऑफ ऑडिट वुड मीन लेटर ऑफ डेट ऑन विच द अकाउंट और रिकॉर्डेड दैट हैव बीन कॉल्ड फॉर इंस्पेक्शन verification has been made available to them या फिर the actual institution the audit at the place of business taxpayer। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी commissioner या कोई भी officer अगर audit करता है तो उस audit करने से पहले वो 15 days पहले notice देगा कि मैं आपके place को audit करने वाला हूँ, inspection करने वाला हूँ या verification करने वाला हूँ आपके document को या फिर आपके business place को। Now the audit is required to be completed within a 3 months from the date of commencement of such audit. This period is extendable for the another 6 months. ये दोनों ये month जो है ये याद रख लेंगे, important में डाल लेना कि जो भी हमारी audit करी जा रही है वो 3 month तक हो जानी चाहिए, within a 3 month में complete हो जानी चाहिए, मगर लगता है कि और time लगेगा और time लगेगा तो उसे 6 month तक ले जा सकता है। इसका मतलब 3 month जो हमारी है और 3 month और जोड़ दिया जाएगा, 6 month से ज्यादा आपकी ऑडिट पीरियड जो है वो ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सिंपल। नाउ प्रोसीजर, द प्रॉपर ऑफिसर सो ऑथराइज्ड टू कंडक्ट द ऑडिट शैल विद द असिस्टेंस ऑफ टीम मेंबर असाइन टू हिम वेरीफाई ऑल नेसेसरी अकाउंट और बुक और रिकॉर्ड। कोई भी बुक अकाउंट रिकॉर्ड ऑफिसर द्वारा या फिर जितने भी उसके टीम असिस्टेंट उनके द्वारा वेरीफाई करा जा सकता है। नाउ Finalization, the proper officer shall within a 13 day inform registered person whose account recorder are being audited about the finding. Simple सी बात कहेगी कि जितने 3 month या 6 month complete होने के बाद, 6 month या 3 month complete होने के बाद एक proper officer क्या करेगा, एक inform कर देगा कि आपकी audit 13 दिन के अंदर inform कर देगा आपकी audit complete कर दी गई है, ये रहा report। Now बात करते हैं special audit की, according to section 66। जो स्पेशल ऑडिट है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 60 सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स स्टेट दैट वेयर एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर हैविंग रिकॉर्ड टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द केस एंड इंटरेस्ट ऑफ रिवेन्यू इज ओपिनियन दैट द लायबिलिटी हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल इन एक्सेस ही मे विद अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कमिश्नर इशू अ डायरेक्शन टू रजिस्टर्ड पर्सन टू गेट हिज अकाउंटेंट रिकॉर्डेड बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट या एज ए नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर। अब इन्होंने क्या कहा कि कमिश्नर को लगता है कि जो आपने टैक्स पे करा है किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने या फिर आईटीसी क्लेम करी है एक्सेस अमाउंट कर रखी है, तो जो रिकॉर्ड बना है जो अकाउंट बना है उन्हें ऑर्डर रजिस्टर्ड पर्सन को ऑर्डर दे देगा कि जो आपने रिकॉर्ड बनाया है जो आपने अकाउंट रखा है वो किसी चार्टर्ड अकाउंट से या फिर कॉस्ट अकाउंट से ऑडिट होनी चाहिए। टाइमलाइन दिया हुआ है 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमिशनमेंट ऑफ सच ऑडिट द असिस्टेंट कमिश्नर या फिर एक्सटेंसिबल करा जा सकता है 90 डे। इसका मतलब जो 90 डे है प्लस 90 डेज और दिया जा सकता है। प्रोसीजर, द एक्सपेंस ऑफ एग्जामिनेशन एंड रेमुनेशन टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंट शैल बी डिटरमाइंड एंड पेड बाय द कमिश्नर। जो भी एक्सपेंस होता है ऑडिटेड होता है कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कमिश्नर द्वारा पेड करा जाएगा। सिंपल। तो ये हमारे ऑडिटेड होता है पूरा कंप्लीट, इसका मतलब ऑडिट खत्म होते ही ये हमारा चैप्टर हो जाता है पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे 16। जो है लेसन 16 बेसिक ओवरव्यू ऑन द आईजीएसटी यूटीजीएसटी एंड जीएसटी कंपोजिशन टू स्टेट एक्ट 2017। ये तीनों एक्ट जो है 2017 में आए थे, इसका केवल ओवरव्यू दिया है, क्योंकि ओवरव्यू इसलिए दिया है कि प्रोफेशनल जब आते हैं उसमें भी हम जीएसटी ही पढ़ेंगे, तो इसलिए इसमें केवल ओवरव्यू दिया है। हम आधा जो पार्ट है इससे ज्यादा वो हम फाइनल में प्रोफेशनल में पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।